राज्यव्यापी धरना के तहत युवा राजद ने स्थानीय थाना चौक पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता युवा राजद के जिलाध्यक्ष नवीन यादव ने किया। इन सब मुद्दों को लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। ये आज का धरना का कार्यक्रम युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल जी, युवा राजद प्रदेश के अध्यक्ष कारी सोहेब जी और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के निर्देश पर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर युवा राजद के द्वारा धरना का कार्यक्रम, जो मूल मुद्दा है उसमें अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, शराबबंदी, किसानों की समस्या, इन मुद्दों को लेकर के जो बुनियादी समस्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर के युवा राजद के द्वारा सभी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो बिहार में जन विरोधी भ्रष्ट नीति सरकार है उसके खिलाफ ये कार्यक्रम सभी मुख्यालय में रखा गया है। ये कार्यक्रम आज लगातार युवा राजद के द्वारा चलाया जा रहा है। 23 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी युवा राजद के द्वारा किया जा रहा है और उसमें विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इन सभी मुद्दों को लेकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल, यानी राष्ट्रीय जनता दल सभी ये पार्टी गांव से लेकर के, जिला से लेकर के विधानसभा तक, सदन तक ये कार्यक्रम चलाएगी। मिथिलेश कुमार दास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।